रईस फिल्म में शाहरुख के अपोजिट कास्ट की गई माहिरा खान को बेशक आप नहीं भूले होंगे, जिन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से सभी का दिल लूट लिया। लेकिन उरी अटैक के बाद उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा और बॉलीवुड से दूरी इस कदर उन पर भारी पड़ी कि उन्हें एक सीरियस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। जी हाँ, एक्ट्रेस ने खुद इस बात का खुलासा भी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीटी एंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। देखिये, माहिरा खान यानी पाकिस्तान की वो पॉपुलर एक्ट्रेस है जिन्होंने एक से बढ़कर एक शोज किए हैं। उनके शोज को फैंस काफी पसंद भी करते हैं। इतना ही नहीं, माहिरा को इंडिया में भी लोग खूब प्यार देते हैं। माहिरा ने शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में काम किया था और वो फिल्म में लीड एक्ट्रेस भी थी। हालांकि फिल्म को फैंस ने कम पसंद किया था और मूवी ने एवरेज बिजनेस किया था, लेकिन अब एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही है। जी हाँ, ये बीमारी तब उभरी जब 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तानी एक्ट्रेस के भारत में काम करने पर बैन लगा दिया गया था। एक पॉडकास्ट में माहिरा ने मेंशन किया है कि वो 6 से 7 सालों से दवाइयां ले रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक वक्त वो भी आया जब उन्होंने दवाइयां छोड़ने के बारे में भी सोचा था। हालांकि वो दवाइयां छोड़ नहीं पाई, लेकिन उन्हें काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। माहिरा ने मेंशन किया है कि रईस को आलोचना मिलने के बाद उन्हें ये ट्रिगर हुआ था। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंची, जहाँ जाकर माहिरा को बताया गया कि उन्हें डिप्रेशन है और तब से वो दवाई ले रही हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जब उन्होंने दवा छोड़ने की कोशिश की थी तो वो डार्क स्पेस में चली गई थी। वो बाथरूम तक जाने के लिए अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। वो अल्लाह से प्रार्थना करती थी कि उन्हें थोड़ी सी भी उम्मीद छलक जो है वो दिखा दो। हालांकि फिर से उनकी दवाएं शुरू हो गई, लेकिन माहिरा अभी भी दवाइयों पे जी रही है। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े जीबीटी एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। नमस्कार।